हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नूर को नींद आ रही है। हाँ, नूर को नींद आ रही है, हम बोर हो रहे हम वेट कर रहे हैं, हम कब पहुँचेंगे। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम आए हैं दिल्ली के बहुत ही फेमस पुराना किला, एंड हम आज यहाँ पे घूमेंगे एंड आपके साथ यहाँ की वीडियो शेयर करेंगे। डोंट वरी, उम्मीद है आपको हमारी पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी, म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। एंड आज हम आपको पुराना किला घुमाएंगे और उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। किला जो प्रॉपरली नोन है एज अ पांडवों का किला, कंसिडर किया जाता है कि ये उसी टीले पर बनाया गया है जिस पर महाभारत के टाइम पर इंद्रप्रस्थ नगर होता था। किले में जो पुरानी आपको इमारतें दिखाई देंगी, शेरशाह सूरी ने जब वो यहाँ अटैक करने आया था तो हुमायूं के द्वारा बनाए गए दीनपना नगर को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया था। और हुमायूं के वापस आने पर 1555 से 1556 में जब हुमायूं पर्शिया से वापस आता है तो इसे दोबारा से मरम्मत करवा कर यहाँ पर वो रहना स्टार्ट करता है। इस एरिया पर कुछ नई चीज़ें भी ऐड ऑन की गई उस टाइम पर, जैसे एक तलाकी दरवाज़ा है, बड़ा दरवाज़ा है, हुमायूं दरवाज़ा है, वो बाद में बनवाया गया है। और आपको इस टाइम पर इस पूरे एरिया के साथ एक खाई बनी हुई दिखाई देगी। ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम पर यमुना नदी थी जो यहाँ से कनेक्टेड थी, और अब उस जगह पर ये खाई है जो उस रिवर की जगह पर है। कि पीछे आप जो ऑक्टागनल शेप की बिल्डिंग देख रहे हैं, कंसीडर किया जाता है कि शेरशाह ने बनवाया था इसको, और इससे यूज़ किया जाता था हुमायूं के थ्रू एज अ लाइब्रेरी। 20 जनवरी 1556 को जब हुमायूं इसी बिल्डिंग में छत पर था, उस टाइम इबादत के लिए अजान की आवाज़ आई और जल्दबाजी में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हुमायूं गिर गए और 3 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। यही वो बिल्डिंग है जो कंसीडर की जाती है कि हुमायूं यूज़ करता था जिसको एज अ लाइब्रेरी, और यहीं से गिरकर हुमायूं की डेथ हुई। बनाई गई है सैंडस्टोन से और पुराने टाइम का डॉम है, बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाई देगा डॉम बनाया गया, और ऑक्टागनल शेप है, 8-साइडेड बिल्डिंग है।
पीछे ये स्टेपवेल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको उस टाइम पर बाउली कहा जाता था। सोर्स ऑफ वाटर है यहाँ का, जो भी फोर्ट के अंदर इनहैबिटेंट्स थे उनको वाटर सोर्स प्रोवाइड करने के लिए इसे बनवाया गया था। उस टाइम पर मे बी इस एरिया का वाटर लेवल काफ़ी डाउन था, तो ज़रूरी था कि एक ऐसा कुछ स्टेपवेल क्रिएट किया जाए ताकि वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। 89 स्टेप्स हैं इसमें, 22 मीटर की डेप्थ है और 22 मीटर की डेप्थ पे जाकर वाटर सोर्स अवेलेबल करवाया गया और अब ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया है अंदर जाने का रास्ता। सिर्फ यहीं से ही आपको दिखाया जा सकता है। कुछ पानी अभी भी यहाँ पर स्टैंडिंग पोजिशन पर खड़ा हुआ।
आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी हिस्ट्री हमने आपके साथ यहाँ की इस जगह की शेयर की है। पुराना किला आए थे आज हम घूमने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना एंड जितनी भी हमने हिस्ट्री आपसे शेयर करी है थोड़ा बहुत तो हमें भी पता था, बट यस एग्जैक्टली जो डिटेल्स थी वो हमने यहाँ पर स्टडी करी एंड आपके साथ शेयर करी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई जगह पर। शायद आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सी यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।